Hello kids, how are you all? I welcome you after summer break. Students will start chapter number 4 in value education. Wear a smile. Okay? So wear a smile means, as you can see, this is smiling face. हमें हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते और हंसते हुए रहना चाहिए. Okay? So let's read this chapter. Wear a smile. हमें हमेशा स्माइल, मतलब चेहरे पे हमेशा स्माइल रखनी चाहिए, उसे पहनना चाहिए. ओके, ऐसा नहीं बिल्कुल सैड हो गए आप, अभी घर पर ही हो, स्कूल नहीं जा रहे हो, तो सैड नहीं होना है बेटा. आप लोगों को घर में रह के भी स्माइल रखनी है. ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, उनको इन्जॉय करना चाहिए. वीडियोज़ आपकी जो मैम बनाती है सब सब्जेक्ट्स के, उनको देखना चाहिए, उनसे सुनना चाहिए, अच्छे से आपको सीखना चाहिए. वेन एवर यू स्माइल, यू स्प्रेड लव and happiness. Everyone likes to see a smiling person. Smiling often keeps us healthy and radiant. Students, जब भी हम smile करते हैं, हम बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशियाँ बांटते हैं. और हर किसी को smiling face ही पसंद आता है, किसी को भी दुखी वाला face पसंद नहीं आता है. सो हमेशा हमें हंसते हुए रहना चाहिए. हंसते रहेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे और रेडियंट, मतलब बिल्कुल वाइब्रेंट, ब्राइट से रहेंगे. डू यू नो दैट मोर देन 70 स्मॉल मसल्स ऑन द फेस टुगेदर फ्रॉम अ फ्राउन. नोबडी लाइक्स टू सी अ फ्राउनिंग फेस. वेयर एज ओनली 14 स्मॉल मसल्स are required to smile. Everyone welcomes a smiling face. Now students, क्या आपको पता है कि जब sad face होता है उसमें कितनी muscles include होती हैं? 70. लेकिन एक smiling face में only 14 muscles include होती है. So इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा smile करते हुए रहना चाहिए. Okay? क्योंकि सबको smiling face ही पसंद आता है, उसे वेलकम करता है. ओके, सो यू सी इट इज़ ईजियर टू स्माइल एंड इज़ बेनिफिशियल टू ऑल. सो ये सब देखकर आपको क्या लगता है कि स्माइल करना इजी है? यस, और ये सबके लिए बेनिफिशियल, मतलब इसकी एडवांटेजेस भी है, मतलब सबको अच्छा लगता है. ठीक है ना? अ स्माइल इंक्रीजेज वंस ब्यूटी. और स्माइल क्या होती है? सबकी ब्यूटी, मतलब खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है. Therefore, whenever you get a photo clicked, the photographer says, smile please. People look their best when they smile. ना स्टूडेंट, जब भी हम फोटो क्लिक करवाने जाते हैं या ग्रुप फोटो हो रहा होता है तो फोटोग्राफर क्या बोलता है? स्माइल प्लीज. इसलिए क्योंकि हमारी फ़ोटो अच्छी आनी चाहिए, है ना? और सैड फेस की फ़ोटो थोड़ी अच्छी आती है. सो हमेशा हमें हंसते हुए रहना चाहिए, स्माइल करते रहना चाहिए. ठीक है? और हम उसी में सबसे बेस्ट लगते हैं. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ओनली ह्यूमन बींग्स आर केपेबल ऑफ स्माइलिंग. एनिमल्स एंड बर्ड्स कैन नॉट स्माइल. इट इज़ अ स्पेशल गिफ्ट ऑफ गॉड टू mankind. Now students, एक सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ह्यूमन beings ही हंस सकते हैं, स्माइल कर सकते हैं. क्या आप बताइए, एनिमल्स, बर्ड्स को कभी आपने स्माइल करते हुए देखा है? नहीं ना? सो वो लोग स्माइल नहीं करते. ये एक स्पेशल गिफ्ट है जो गॉड ने हम सबको दिया है. सो हमेशा स्माइल कीजिए. If you cannot do much to help someone who is sad or has a problem, at least smile at him or her. The person will feel better. Try it. अगर कोई भी sad है, आपका friend है या mother है या brother है या sister है या father है, कोई भी है, so अगर आपने उनको दुखी देखा है, कोई problem में है, तो आप उनकी तरफ देखते हुए smile कर दीजिए. सो उनकी प्रॉब्लम क्या होंगी? दूर हो जाएगी, क्योंकि वो आपको हंसते हुए देखेंगे और उनको वो फील बेटर, मतलब पॉजिटिव लगता है. बच्चों, बहुत अच्छा लगता है.
द पावर ऑफ अ स्माइल, स्माइल की पावर क्या है। वंस देयर वॉज अ मैन हु वॉज वेरी अनहैप्पी एंड डिड नॉट वॉन्ट टू लिव। वन इवनिंग एज ही वॉज वॉकिंग ही केम अक्रॉस अ पुअर मैन हु हैड नो लेग्स। ही वॉज सेलिंग पेंसिल्स ऑन द रोड साइड। ही कॉल्ड आउट, हेलो सर, वुड यू लाइक टू बाय सम पेंसिल्स। द मैन सेड नो, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ही इज द पर्सन हु हैव नो लेग्स। अब इस ये जो पर्सन था इसके लेग्स नहीं है, फिर भी ये बैठकर पेंसिल्स सेल कर रहा है, उनको बेच रहा है। और ये जो पर्सन है बच्चा बच्चों ये क्या है, बहुत ही दुखी है, अपनी लाइफ से सबसे दुखी है और ये कभी भी हंसता स्माइल नहीं करता है। सो एक दिन ये क्या हुआ, जा रहा था तो इसने एक पर्सन को देखा और वो बैठ के पेंसिल्स बेच रहा था रोड साइड की तरफ, और उसके लेग्स भी नहीं थे। और उसने बोला, हेलो सर, वुड यू लाइक टू बाय सम पेंसिल्स, क्या आप पेंसिल्स खरीदना चाहेंगे। उसने बोला नहीं। ही अगेन रिक्वेस्टेड, दीज आर वेरी गुड पेंसिल्स, प्लीज टेक सम। व्हाइल रिक्वेस्टिंग ही वॉज स्माइलिंग, और उसने दोबारा से रिक्वेस्ट किया उसको कि प्लीज़ ये ले लीजिए, बहुत अच्छी पेंसिल्स है। और जब वो रिक्वेस्ट कर रहा था तो उसके फेस पे एक बहुत अच्छी सी स्माइल थी। द अनहैप्पी मैन वॉज सरप्राइज्ड टू सी दैट अ पुअर मैन विथ नो लेग्स कैन स्टिल स्माइल एंड बी हैप्पी। सो ही थॉट, व्हाई शुड ही बी अनहैप्पी व्हेन ही हैड सो मच मोर देन हिम। ही देन ब्रॉट सम पेंसिल्स। सो बच्चों उसने देखा कि जब इसके लेग्स भी नहीं है तो भी ये स्माइल कर रहा है, खुश है, तो मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी मैं इतना दुखी क्यों हूँ। सो उसने क्या किया, अब मैं दुखी नहीं रहूँगा, मैं खुश रहूँगा, और उसने वो पेंसिल्स उससे खरीद ली। नाउ ही वॉज नो लॉन्गर अनहैप्पी एंड वेंट होम स्माइलिंग। सच इज़ द पावर ऑफ स्माइल। गांधी जी सेड, वन इज नॉट कम्प्लीटली ड्रेस्ड अनलेस वन वियर्स अ स्माइल। नाउ स्टूडेंट्स, अब वो बहुत ही खुश हुआ और वो दुखी नहीं रहा, अब वो खुश रहता है और स्माइल करते हुए अपने घर पर चला जाता है। ये है बच्चों स्माइल की पावर। एज यू ऑल नो हु इज ही, ही इज़ द फादर ऑफ नेशन, गांधी जी। ओके, सो गांधी जी ने बोला है, अगर आप बहुत अच्छे से ड्रेसअप हो लेकिन आपने अगर स्माइल नहीं पहनी है तो आप क्या हो, आपने अच्छे से कपड़े नहीं पहने हैं, ठीक है ना। कंप्लीट ड्रेस तभी होगी आप, मतलब पूरे तरीके से आप ड्रेसअप तभी होगे जब आपके फेस पर स्माइल होगी। सो हमेशा बच्चों स्माइल करते हुए रहना चाहिए। अभी सिचुएशन लॉकडाउन है, अभी काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है ना, कोरोना की वजह से हम घरों में है, आप स्कूल नहीं आ सकते हैं, कई बार आपके मम्मी डैडी पार्क भी नहीं भेजते हैं। सो बच्चों आपको दुखी नहीं होना है, आपने घर में खेलना है, आपके ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करना है प्रॉपरली, टाइमली, ठीक है ना। स्माइल करते रहिए, ओके, स्टे पॉजिटिव। इफ़ यू फेस एनी डिफिकल्टी यू मे आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।